दोस्तों दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो के फैंस के लिए बुरी खबर निकल कर आई है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इसी साल 7 जुलाई को दिलीप कुमार का निधन हो गया था, जिसके बाद से ही सायरा बानो की हालत खराब चल रही थी। बुधवार को तबीयत में सुधार न होने के चलते 1 सितंबर को उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सायरा बानो को ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल कम की परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और अभिनेत्री को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वहीं सायरा बानो की तबीयत का पता चलते ही फैंस और उनके चाहने वाले उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीती 7 जुलाई को दिलीप कुमार का निधन हुआ था। वह 98 साल के थे। उनके जाने के बाद से ही सायरा बानो भावनात्मक रूप से टूट गई है। दिलीप कुमार के जाने के बाद सायरा बानो ने कहा था कि उनसे जीने का कारण छीन लिया गया है। दोस्तों आगे सायरा बानो को लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। बस अभी तक इतना ही पता चला है कि वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आगे जैसे ही इस बारे में कोई खबर मिलती है मैं जल्द से जल्द आप लोगों से शेयर करूंगा। धन्यवाद।